हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे YouTube वीडियो का SEO करने का सही तरीका क्या है और मैं आपको अपनी वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। मैंने अपनी वीडियो SEO करके अपनी वीडियो वायरल भी किया है। अगर आप मेरी वीडियो सर्च करो तो पहले नंबर पर सर्चिंग में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी वो, और यहाँ पर आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेरे व्यूज भी यूट्यूब सर्चेस से आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरी वीडियो टैग यहाँ पे काफी अच्छे रैंक कर रहे हैं ना, हैशटैग वन नंबर, हैशटैग टू, ये जो मेरे हैशटैग रैंक कर रहे हैं इसी की वजह से मेरी वीडियो सर्चिंग में पहले नंबर पर आती है। पूरा एसईओ मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग को सही तरीके से एसईओ कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, मैं आपको सबसे एकदम क्लियर आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने यूट्यूब कर लिया ओपन। अब यूट्यूब को ओपन करने वाला यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ फेसो अनऑरिजिनल कॉन्टेंट कैसे हटा, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए पहले नंबर पर इनकी वीडियो आ रही है, दूसरे पर इनकी आ रही है और तीसरे पर इनकी, चौथे नंबर पर यहाँ पर जैसे मेरी वीडियो आ रही है ना, और जो पहले नंबर पर जो मेरी वीडियो आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने सर्च करा है स्मार्ट वॉच में टाइम एंड डेट कैसे सेट करें, स्मार्ट वॉच में कैसे सेट करें टाइम, है ना। तो जैसे जैसे 1 लाख से ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं 10 महीने के अंदर, इसको मैं चैनल को ओपन कर लेता हूँ। और चैनल को ओपन करने बाद यहाँ पर मैं पॉपुलर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी 1 लाख से ऊपर वीडियो गई है, इस पर काफी अच्छे खासे मेरे इस पर व्यूज आए हैं। इस पर देख सकते हैं आप 1,20,000 इस पर मेरे व्यूज आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी मेरी वीडियो यहाँ पे 10 मंथ पहले की है, इस पर मेरे 78,000 व्यूज आए हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि स्मार्ट वॉच में अपना फोटो कैसे ऐड करें। फिर अनऑरिजिनल कंटेंट वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले कीवर्ड को मैंने सर्च करा है स्मार्ट वॉच में अपना फोटो कैसे ऐड करें, दूसरे नंबर पर मेरी वीडियो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे व्यूज़ भी यूट्यूब सर्चेस से आ रहे हैं। तो आप भी यूट्यूब वीडियो सही तरीके से ऐसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने वीडियो के लास्ट तक, चलिए तो हम अपनी वीडियो लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना डेस्कटॉप साइड पर। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ इसको। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है डेस्कटॉप साइड पर, यहाँ मैं क्रिएट पर कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पर अपलोड वीडियो पर कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे एक वीडियो में अपलोड कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। उसी का हम ऐसे करने वाले हैं आप। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है, और यहाँ पर ही हमें सभी ऑप्शन मिलने वाले हैं एसईओ करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करके आपको दिखाया है। और यहाँ पर ही हमें एसईओ करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर मेरी वीडियो का टॉपिक है यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको उठा लेता हूँ, इसको बैक करने में मैं आता हूँ यूट्यूब पर। यहाँ पे हम यूट्यूब पर सर्च करने वाले हैं कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें। तो यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लिया यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे लिखने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्च में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं ना, कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें लैपटॉप में, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें मोबाइल से, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें फ्री में, है ना। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, यहाँ पर हम ये हमारे काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के बाद यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर कौन सी वीडियो आ रही है, ये वाली सबसे पहले नंबर पर ये वाली वीडियो आ रही है ना। तो इसका जो भी टाइटल है ना वो टाइटल हम कर लेंगे कॉपी। तो इस वीडियो का टाइटल हमने यहाँ से कर लिया है कॉपी, है ना। तो आपको टाइटल कॉपी करके अपनी वीडियो पेस्ट करने में ना कोई कॉपीराइट की समस्या आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये पॉलिसी में है ही नहीं। तो इसको यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, अपनी वीडियो पे इसका टाइटल हम रख लेते हैं ना। जो हमने टाइटल कॉपी किया वो हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसके अंग आप कुछ भी अपने जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले देता हूँ 2025 सेलेक्ट ऑल करने वाले, यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, और अपने डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर इसको कर देंगे हम पेस्ट। सबसे पहले नंबर पर इसको पेस्ट करने के बाद तो यहाँ तक तो ये हमारा काम हो चुका है ना। अब जो हमने स्क्रीन शॉट लिया, अब उसको हमें क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्ले स्टोर पर कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन शॉट के नाम से एक एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाए, इसको आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू पे करना है क्लिक, फिर आपको इसको इंग्लिश पे कर लेना है क्लिक। जो भी आपने स्क्रीन शॉट लिया इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं क्रॉप, ऐसा आपको ये स्क्रीन शॉट क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद यहाँ से ऊपर से कर देना ओके। जो भी हमारे स्क्रीन शॉट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो AI की हेल्प से हमारा टेक्स्ट फॉर्म में आ चुका है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम बैक करेंगे व्हाइट स्टूडियो पर चले। अब हम अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसको करने वाले पेस्ट। और उसको पेस्ट करने का भी सही तरीका क्या वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। आप लोग गलत तरीके से कर देते इसलिए आपको जो है ना मोनेटाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना योर क्वेरीज लिख देना, या आपको यहाँ पे योर क्वेश्चन लिख देना। यहाँ पे हम लिखते हैं योर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको योर क्वेश्चन लिखने के बाद ये आपको कर देना पेस्ट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जो भी आपने कीवर्ड लिखे यहाँ पे कॉमा लगानी होनी चाहिए, इसमें कॉमा लग के फिर आपको उसके बाद नहीं लिखना है, ये तरीका होता है एकदम गलत। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स भी लिख चुके हैं, और ये जो कीवर्ड है ये आपको 15 से ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 10 या 15 लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगा। चूँकि इसकी पॉलिसी बनी हुई है यूट्यूब के रूल्स इस पर पहले से बने हुए हैं, तो आपको ये 15 से ज़्यादा नहीं लिखना है।
तो यहाँ पर आपको हैशटैग लिखने, हैशटैग आपको 15 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। अगर आप 15 से ज़्यादा लिखते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन में दिक्कत देखने के लिए आपको मिल सकती है। यहाँ पे लेता हूँ हैशटैग यूट्यूब, यहाँ पर और मैं ले लेता हूँ हैशटैग अपनी वीडियो से रिलेटिव। यहाँ पर आपको 15 हैशटैग यहाँ पर लिख लेने हैं। यहाँ पर हाल फिलहाल में मैंने 2 हैशटैग लिख लिए हैं, 2 आपको बताने के लिए। यूट्यूब वीडियो हैशटैग यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें, हैशटैग लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं, हैशटैग लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ यहाँ पर मैं ना, तो ऐसे हैशटैग यहाँ पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना है जो भी आपकी कैटेगरी के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनको मेंशन करना है। उनको मेंशन करने से आपको ये फायदा रहेगा, हमारी जो वीडियो ना उनकी ऑडियंस तक पहुँच जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ @मनोज देखो, है ना। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया मनोज देखो। यहाँ पर आपको 5 से ज़्यादा मेंशन नहीं करने हैं। अगर आप 5 या 7 से ज़्यादा मेंशन करते हो तो यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो जाएगा आपसे, आपके वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक भी आ सकती है, मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो यहाँ पर आपको मेंशन भी कर लेना, तो इतना काम आपको यहाँ पर कर लेना। अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अपना एक थंबनेल लगा देना बढ़िया सा, और यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट बनाकर इसको वीडियो को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको 100 मोर पे करना है क्लिक। यहाँ पर आपको इस पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे कर देना है क्लिक। ऊपर स्क्रॉल करना है यहाँ पर आपको, और ये अलर्टेड कॉन्टेंट है ना, इसको आपको नो पे कर देना है क्लिक। फिर आपको थोड़ा ऊपर और खिसकाना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी वीडियो डालनी है टैग। सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम डालना है, जो भी आपके यूट्यूब चैनल का नाम है ना, सबसे पहले आपको वो डालना है। यहाँ पर जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है उससे रिलेटिव यहाँ पर आपको टैग लिखने हैं। और टैग लिखने का आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहली बात, तो जब हमने स्क्रीनशॉट में से टेक्स्ट कॉपी किया तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, है ना, या आप एक एक करके आप उन पर कॉमा लगा के एक साथ सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जो वीडियो यूट्यूब पे पहले नंबर पर रैंक कर रहे उसके टैग कॉपी करके वो पेस्ट कर देने हैं। वो काम कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ से आपको बैक कर लेना है, यहाँ पर आपको जाना प्ले स्टोर पर, यहाँ मैं सर्च करता हूँ टैग यू, ये वाली एप्लीकेशन है टैग यू की नाम से, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। हमारे वीडियो का टॉपिक क्या था कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करें। और जो पहले नंबर जो वीडियो आ रही है ये वाली वीडियो है, इसको हम इसके लिंक कर लेते हैं कॉपी। सबसे पहले हमें वीडियो पे क्लिक करना है, सबसे पहले हमें वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें शेयर पे करना है क्लिक। शेयर पे क्लिक करने के बाद इसका लिंक कर लेना कॉपी, कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से बैक करके और इस वाली एप्लीकेशन में हमें आ जाना है। टैग यू एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन दिएगा गेट टैग्स फ्रॉम URL, इस पर करना है क्लिक। URL कर देना पेस्ट, जो भी उस वीडियो के टैग होंगे ना वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो यहाँ पर टैग यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं, और ये वीडियो थे ये वीडियो आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिएगा है, यहाँ पर इस पर हम कॉपी पर क्लिक करके और सभी टैग यहाँ पर हमने कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम बैक करते हैं और अपनी वीडियो पर चलते हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियो पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो पे आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर टैग वाले ऑप्शन में हम चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने चैनल का नाम यहाँ पर डालना है, फिर आपको और टैग यहाँ पर डालना है जो भी आपकी वीडियो से रिलेट करते हैं, और जो हमने कॉपी किए ना वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। टैग जो सबसे पहले नंबर पर रैंक जो कर रही थी वीडियो, उसको फिर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में सभी टैग यहाँ पर सही तरीके से लग चुके हैं, है ना। और आपको अपनी वीडियो के टैग में कभी भी दूसरे चैनल का नाम नहीं डालना है, नहीं तो आप YouTube पॉलिसी का उल्लंघन कर देंगे, तो ये काम आपको कभी नहीं करना है। यानी कि शुभम टैग है, इसको हम यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये हट चुका है, ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपनी वीडियो के लैंग्वेज पे क्लिक करना है और इसको आपको हिंदी कर लेना है, और जो भी लाइसेंस है ना इसको लाइसेंस को आपको क्रिएटिव कॉमन पे कर देना है क्लिक। जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे एजुकेशन आ रहा है, यहाँ पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ। कमेंट ऑन ही रखने, कमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट पे क्लिक कर देना है। कोई भी आपके वीडियो में कमेंट में गाली गलौज नहीं कर पाएगा स्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद। फिर सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक। जो यूट्यूब वीडियो का ऐसे हो चुका है कम्प्लीट, यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। जो भी आपके एंड स्क्रीन में वीडियो ऐड करना चाहते वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अनलिस्ट कर देना। और आपको अपनी वीडियो जो थंबनेल है वो आपको क्लिक बीट बनाना है। और क्लिक बीट थंबनेल कैसे बनाते हैं, अगर आप इस टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक वीडियो बना दूंगा कि एक क्लिक बीट थंबनेल कैसे बनाया जाता है और उसका क्लिक थ्रू रेट कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो करते लाइक चैनल कर लें, सब्सक्राइब बटन पर कर लें प्लीज। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करने का सही तरीका क्या है, इस वाली वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।